Hello friends, welcome to Prithvi series. Today we will continue our series with some more places which were in news last year with the help of map. तो आज के लिए जो हमने दो places choose की हैं वो हैं टर्की एंड मालावी. पहले हम इनका context देखेंगे कि ये दोनों news में क्यों थी, then we'll see something about their geographical locations, right? So let's start with Turkey first. टर्की न्यूज़ में क्यों रहा, पहले तो ये पता होना चाहिए कि टर्की के सऊदी कंसुलेट में टर्की के एक जर्नलिस्ट की हत्या कर दी. अब इस हत्या को लेकर बहुत सारे कयास लगाए गए और इसी के कारण ये बार बार किस में था, न्यूज़ में था. ठीक है, तो टर्की की अगर बात करें तो टर्की की कैपिटल है अंकारा. क्या कैपिटल है? अंकारा. एंड 1923 में ओटोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो मॉडर्न टर्की रिपब्लिक है उसकी क्या हुई, स्थापना हुई. ठीक है, और टर्की एक बहुत बड़ा पेनिनसुला है जिसकी अपनी एक ज्योग्राफिकल क्या है, रिकॉग्निशन है. अगर हम वैसे बात करें तो बॉस्फोरस स्ट्रेट से, ये बॉस्फोरस स्ट्रेट है ये भी याद रखना है, बॉस्फोरस स्ट्रेट से यूरोप एंड एशिया कॉन्टिनेंट के बीच ना ये एक ब्रिज के रूप में काम करता है. ठीक है, बॉस्फोरस स्ट्रेट ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से जोड़ती है, ये भी पता होना चाहिए. तो स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस ब्लैक सी टू सी ऑफ मरमरा, और ये यूरोप एंड एशिया के बीच में एक, दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में एक ब्रिज का काम करता है. ठीक है, टर्की के जो यूरोपियन पार्ट है इसको बोलते हैं थ्रेस. क्या बोलते हैं? थ्रेस. एंड जो इसका ईस्टर्न और जो एशियन पार्ट है उसको बोलते हैं हम एनातोलिया या एशिया माइनर. एनातोलिया या एशिया माइनर. और अब अगर इसके सीज देखें तुर्की के सराउंडिंग में, यहाँ पे है एजियन सी, फिर सी ऑफ मरमरा, देन ब्लैक सी एंड देन मेडिटेरेनियन सी. ये चारों सी अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं किसके साथ, तुर्की के साथ. एक बात, अब इसकी अगर कंट्रीज के साथ बाउंड्रीज देखें तो बुल्गारिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान, इराक, सीरिया, एंड फिर वापस हम देखेंगे तो यह क्या आ जाएगा, मेडिटेरेनियन सी, जिसके साथ क्या हो रही हैं, टर्की की बाउंड्रीज शेयर हो रही हैं. तो हमने अगर ज्योग्राफिकली लोकेशन के बारे में टर्की की बात करें तो मेजरली चार सी, ब्लैक सी, सी ऑफ मरमरा, एजियन सी और मेडिटेरेनियन सी, ये तो चार सी हैं. और हमने देखा स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस जो कि ब्लैक सी को किससे कनेक्ट कर रही है, मरमरा सी से. एंड अगर हम कंट्रीज की बात करें तो बुल्गारिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान, इराक एंड सीरिया, दीज कंट्रीज आर शेयरिंग देयर बाउंड्रीज विद टर्की, राइट. तो हम दूसरा देखते हैं, दूसरा जो हमने आज के लिए टॉपिक लिया दैट इज मालावी. मालावी अफ्रीका के उन तीन देशों में से एक रहा जिसमें वाइस प्रेसिडेंट ने क्या की, अपनी विजिट की. बाकी जो दो देश थे वो थे जिम्बाब्वे एंड बोत्सवाना, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं मालावी के बारे में. और जब वाइस प्रेसिडेंट अपनी यात्रा पे थे उन्होंने वहाँ पे क्या किए, कुछ अपने एमओयू साइन किए और इन्हीं को लेकर मालावी किस में रहा, न्यूज़ में रहा. ठीक है, मालावी की अगर कैपिटल की बात करें तो मालावी की कैपिटल है लिलोंगवे. कैपिटल है लिलोंगवे. ठीक है, और ये पहले मालावी ना ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट कंट्री था एक. ठीक है, बट 1964 में इसे क्या मिली अपनी, फाइनल ये इंडिपेंडेंट हुआ. ठीक है, और मालावी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है. मालावी लैंड लॉक्ड कंट्री है. और इसके बारे में अगर इसकी बाउंड्रीज देखें तो सबसे पहले तंजानिया, मोजाम्बिक एंड जाम्बिया, ये तीनों मालावी को क्या करते हैं, एक चारों तरफ से घेर के रखते हैं, जिसके कारण मालावी क्या होती है, लैंडलॉक्ड कंट्री है. बाउंड्रीज देखें जाम्बिया, तंजानिया एंड मोजाम्बिक, ये तीन ऐसी कंट्रीज हैं जो मालावी के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं. और मालावी खुद क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री है. ठीक है, अगर मालावी के लैंडस्केप की बात करें तो यहाँ पर चार मेजर रीजन हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है, पहला है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, जिसके बारे में हमने जरूर पढ़ा होगा कि इसमें प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, जो कि इसको साउथ से नॉर्थ तक एक्सटेंडेड है यहाँ पे. ठीक है, फिर आते हैं प्लेटूज, फिर है कुछ हाईलैंड्स एंड डिफरेंट माउंटेन्स. तो मैंने चार लैंड्स के बताए. पहला तो है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, प्लेटूज, हाईलैंड्स
एंड डिफरेंट डिफरेंट कुछ कुछ अलग अलग जगहों पे क्या है माउंटेन्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली इस कंट्री की मेजर कैरेक्टरिस्टिक है और इस देश को ना नॉर्थ से साउथ तक क्या करती है, एकदम बीच में से जाती है, नॉर्थ से साउथ तक स्प्रेड होती है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। और अगर तंजानिया के साथ मालावी के रिलेशन की बात की जाए तो लेक मालावी को लेकर, लेक मालावी की बाउंड्रीज़ को लेकर मालावी और तंजानिया दोनों आपसी देशों में क्या रहते हैं, डिस्प्यूट हैं। ठीक है, और अगर कुछ थोड़ी सी इकोनॉमी से रिलेटेड बात करें मालावी की, तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग मालावी दुनिया के सबसे पुअर कंट्रीज़ में से शामिल होता है, सबसे गरीब देश है दुनिया के। और अगर इसके रैंक देखें तो ऑलमोस्ट 187 कंट्रीज़ में से मालावी इसमें 171 नंबर पे आता है। ठीक है, और इसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो है 0.418। ठीक है, तो ये बातें मालावी के रिगार्डिंग हमें ध्यान में रखनी है। लैंडलॉक कंट्री है, जाम्बिया तंजानिया और मोजाम्बिक के साथ बाउंड्री शेयर करती है। लेक मालावी के कारण इसकी बाउंड्री को लेकर इन दोनों में आपस में डिस्प्यूट है। चार लैंडस्केप हैं, कौन कौन से, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, प्लेटू हैं, हाईलैंड्स हैं और कुछ कुछ क्या हैं, माउंटेन्स हैं। ये दो तीन बातें मालावी के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। राइट, नेक्स्ट वीडियो में हम जिम्बाब्वे एंड बोत्सवाना की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।